फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम केमिस्ट्री पार्ट सॉल्व करेंगे जो एचपी टेट मेडिकल में आया था। तो क्वेश्चन नंबर 1 है केमिस्ट्री का, 31। सो द डार्क जोन ऑफ कैंडल फ्लेम इज इन इनर जोन। तो ये कैसे इनर जोन में है, आपको ये क्वेश्चन किसी और तरह से बाद में भी पूछा जा सकता है। जैसे कैंडल फ्लेम होती है, तो कैंडल फ्लेम का जो इनर पार्ट होता है दैट इज नोन एज डार्क जोन, एंड इसका जो सेंटर पार्ट होता है दैट इज़ कॉल्ड ल्यूमिनस जोन, एंड जो लास्ट का पार्ट होता है दैट इज़ पार्शली ल्यूमिनस। सो दीज आर द 3 पार्ट्स ऑफ कैंडल फ्लेम। सो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज। तो इसमें सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज का जो एलिमेंट नहीं है दैट इज़ प्लैटिनम, एंड द टर्म कैटलिस्ट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई, इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय जे बर्जीलियस। ठीक है, तो इनका पूरा नाम है जॉन जेकॉब बर्जीलियस। और द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयरन ऑब्टेन फ्रॉम द ब्लास्ट फर्नेस इज दैट इज़ कॉल्ड पिग आयरन एंड इट हैज़ लॉट ऑफ इम्प्योरिटीज। द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इलेक्ट्रोफिलिक एजेंट। तो इसमें से एलुमिनियम क्लोराइड AlCl3 जो है आपका वो इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट है। नेक्स्ट, एन एलिमेंट बिलोंग्स टू ग्रुप 13 ऑफ द पीरियोडिक टेबल, इट्स ऑक्साइड शुड हैव द फॉर्मूला दैट विल हैव द फॉर्मूला ऑफ X2O3। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मॉलिकुलर डिजीज़। सो मॉलिकुलर डिजीज़ जो है आपकी वो कैंसर है, दैट इज़ जेनेटिक डिजीज़ ऑल्सो समटाइम्स, एंड अनीमिया जो है, अगर सिकल सेल अनीमिया यहाँ लिखा होता तो ये मॉलिकुलर डिजीज़ होता, बट इट्स ओनली अनीमिया, खून की कमी है, तो दैट इज़ कॉज्ड बाय द लैक ऑफ हेल्थी RBCs, रेड ब्लड सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 पॉजिटिव इज 2.5। This there is a formula to take out it, so you can go through that. In homologous series, the two consecutive compounds differ by the CH2 group. Then last question is ka, malachite is an ore of copper. तो ये कॉपर का एक माइनर ओर है, इट इज़ नॉट अ मेजर ओर, इसकी और भी ओर्स होती है जैसे क्यूपराइट वगैरह, तो आप उनको भी पढ़ लेना। आयरन के ओर होते हैं आपके पास हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, मर्करी का ओर होता है सिनेबा, एंड जिंक ओर हैज़ नेम कैलामाइन और स्मिथनाइट। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव 41, पॉली टेट्रा फ्लोरोइथिलीन, पॉली टेट्रा फ्लोरोइथाइलीन या PTFE इज़ यूज इन। तो ये यूज़ होता है नॉन स्टिकी कुकिंग पैन, इसका जो ट्रेड नेम है PTFE का, इसका ट्रेड नेम है टेफ्लोन। सो नेक्स्ट, द रिएक्शन बिटवीन एल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड इज, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, द रिएक्शन बिटवीन alcohol and carboxylic acid is called esterification because it provides the ester as a product. Then which one of the following has the highest dipole moment? So it's genuine CH3Cl. So 44 question hamare paas tha, 95% ethyl alcohol is called, so isko kehte hain rectified spirit. The next, maximum percentage of polyunsaturated fatty acid is found in sunflower. That's why it is recommended by the doctors to a heart patient or diabetic patients. Then, how many ions are produced from the complex in solution? Agar aapke paas complex solution hai, CONH3 whole 6, और Cl2 का, देन इट विल गिव राइज 3 आयंस। देन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, इट्स वेरी इजी, 273.16 केल्विन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे को आया था एक,
द नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ बोरेक्स इज बेसिक, जो एक्वस सोल्यूशन होता है आपका बोरेक्स का दैट इज बेसिक इन नेचर. देन द रिएक्शन ए प्लस बी गिव राइज टू सी प्लस डी प्लस क्यू इज फाउंड टू हैव अ पॉजिटिव एंट्रोपी चेंज. द रिएक्शन विल बी एट पॉसिबल हाई टेम्परेचर, पॉसिबल एट लो टेम्परेचर, नॉट पॉसिबल एट एनी टेम्परेचर. तो इसका राइट आंसर है पॉसिबल एट एनी टेम्परेचर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिटी ऑफ विस्कोसिटी. तो यूनिटी ऑफ विस्कोसिटी आपकी होती है पॉइस. नाउ 51 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज स्ट्रांगली एसिडिक. तो इसमें से स्ट्रांगली एसिडिक आपका है Cl2O3. अब क्यों है, एल्यूमिनियम जो है वो एम्फोटेरिक है. एल्यूमिनियम से इधर को आप जितने भी हॉरिजॉन्टल लाइन में एलिमेंट्स देखोगे लाइक सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर एंड देन क्लोरीन, तो वो इस साइड को आपकी एसिडिसिटी इंक्रीज होती है, एसिडिसिटी इंक्रीजेस टुवर्ड्स द राइट साइड. तो इसलिए आप इसको जेन्युइनली याद रख सकते हो, एल्यूमिनियम इज एम्फोटेरिक, फिर इसके लेफ्ट राइट साइड में जो भी एलिमेंट्स हैं उनकी एसिडिसिटी इंक्रीज होती है. ओके, तो इसमें सबसे ज़्यादा इंक्रीज एल्यूमिनियम सबसे लास्ट में है, तो सॉरी क्लोरीन सबसे लास्ट में, तो क्लोरीन की सबसे ज़्यादा एसिडिसिटी होगी, क्लोरीन ऑक्साइड. देन नेक्स्ट, द फॉर्मूला ऑफ एप्सम सॉल्ट. एप्सम सॉल्ट को हम सेंधा नमक भी बोलते हैं. तो इसका फॉर्मूला होता है MgSO4.7H2O एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड हेप्टाहाइड्रेट सल्फेट. देन द रीजन क्लोजेस्ट टू अर्थ सरफेस इज, इट्स वेरी कॉमन क्वेश्चन, सो इट्स ट्रोपोस्फेयर. एंड द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डबल्स फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस. देन ऑन 60 डिग्री सेल्सियस द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इंक्रीज बाय अबाउट हाउ मच टाइम. सो इट्स कॉमन 64. हाउ इट कम्स आई विल टेल यू. 10 डिग्री सेल्सियस पे 2 हुई तो डबल कर देना है आपने उसको, 20 डिग्री सेल्सियस पे कितनी हो जाएगी 4. 10 डिग्री सेल्सियस वी हैव 2 टाइम्स. देन 20 डिग्री पे कितनी हो जाएगी हमारे पास 4 टाइम्स. देन 30 डिग्री पे इसका डबल कर लेना है, 4 का डबल 8 टाइम्स हो जाएगी. 40 डिग्री पे कितनी हो जाएगी 8 का डबल 16. फिर 50 डिग्री पे कितनी हो जाएगी, 50 डिग्री पे रेट ऑफ रिएक्शन कितनी चेंज हो जाएगी 16 का डबल 32. ऐसे ही आपके पास 60 डिग्री पे कितनी हो जाएगी फिर 32 का डबल 64. तो इसलिए इसका आंसर 64 टाइम्स है. नेक्स्ट क्वेश्चन, बेकिंग पाउडर. बेकिंग पाउडर इज़ अ मिक्सचर ऑफ व्हाट. तो इट्स अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड टार्टिक एसिड. देन ड्यूरिंग द कम्बशन ऑफ ग्लूकोज, सो जब भी ग्लूकोज स्प्लिट होता है देन इट विल गिव राइज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. द नेक्स्ट, सिल्वर मेटल मेड ज्वेलरी बिकम डार्क वाइल कॉपर मेड यूटेंसिल्स बिकम्स ग्रीन, वाई, वॉट इज द रीजन बिहाइंड इट. तो इसका रीजन है कोरोजन. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल विल शो लीस्ट रिएक्टिविटी विद वाटर. तो ये आपकी कॉपर है. जनरली सल्फाइड ओर्स एंड आर कन्वर्टेड इंटू मेटल ऑक्साइड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस. तो इसमें फॉलो प्रोसेस होता है आपका रोस्टिंग. एंड रोस्टिंग क्या है, रोस्टिंग इज द हीटिंग ऑफ मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव एयर. देन नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. तो इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपकी शो करेगा MgCl2 विद एल्यूमिनियम मेटल. दिस आई कैन शो यू हाउ MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम. अब जो इसका एंड प्रोडक्ट आएगा वो आएगा आपके पास, ये डिस्प्लेस कर देगा मैग्नीशियम को, डिस्प्लेस कर देगा एल्यूमिनियम क्योंकि ये ज़्यादा रिएक्टिव है इससे. ठीक है, तो AlCl2 आ जाएगा प्लस आपके पास क्या आ गया, मैग्नीशियम.
उसको डिसप्लेस कर दिया, मतलब उसकी प्लेस ले ली उसने। थैंक यू, होप यू लाइक्ड माई वीडियो, डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।